Okay, so we are going to start with the concept museums. Now, can museums be considered as a source of history? Obviously, yes, it's a big yes. Yes, sir, म्यूजियम्स को भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, क्यों करके बताएंगे। तो म्यूजियम्स में माय स्टूडेंट्स क्या होता है, जो भी एंशंट आर्टिफैक्ट्स होता है, ऑर्नामेंट्स हो सकता है, कॉइन्स हो सकता है, मतलब जो भी जूने पुराने वस्तु होते हैं, वो सब चीज़ों को कहाँ पर स्टोर किया जाता है, तो म्यूजियम में स्टोर किया जाता है। तो पास्ट से रिलेटेड चीज़ें हमको म्यूजियम में मिलते हैं, बराबर है कि नहीं। फिर वो कुछ भी हो सकता है, लैम्प हो सकता है, देन इट कैन बी अ कॉइन, इट कैन बी नोट्स, इट कैन बी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, एनीथिंग इट कैन बी। म्यूजियम स्पेसिफिकली ऐसा कोई एक चीज के लिए नहीं होता है, वहां पर बहुत सारे चीज होते हैं, लेकिन वो सभी के सभी चीजें क्या होती है, पुरानी होती है। तो दैट इज अ वेरी गुड एडवांटेज माय डियर स्टूडेंट्स, और उसको हम लोग एज अ रेफरेंस करके यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो सब लोग। म्यूजियम्स, All states of India have museums that depict the characteristics and display the cultural and social heritage of the state. They enable us to understand history. तो हर स्टेट में होता है म्यूजियम माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और वहाँ पे क्या होते हैं, कल्चरल चीजें भी होती हैं और सोशल भी चीजें होती हैं। मतलब क्या, कल्चरल मतलब जो हमारे संस्कृति को डिस्प्ले करता है, कल्चर को डिस्प्ले करता है, ठीक है। और सोशल मतलब जो हमारे सोसाइटी को, समाज को डिस्प्ले करता है। ओके, एग्जाम्पल गिवन ओवर हियर इज छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम एट मुंबई। ओके, ये म्यूजियम शायद तुमने विजिट भी किया रहेगा, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय करके उसका नाम है। अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट म्यूजियम्स, सम प्राइवेट कलेक्टर्स आर ऑल्सो सेटअप देयर ओन म्यूजियम्स। दे आर बेस्ड ऑन डिस्टिंक्टिव सब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्टिव सब्जेक्ट्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स। Distinctive subjects, different subjects. Example, coins, notes, lamps, nutcrackers, different shapes of cricket equipments. Different shapes हो सकते हैं और cricket equipments भी हो सकते हैं. All these things can be stored, preserved in a museum and can be taken as a sources of history. अब जैसे कि सबसे पहला वर्ल्ड कप इंडिया कब जीता था, 1983 में, बराबर। तो उस गेम का, उस फाइनल मैच का, बॉल इज अ हिस्टोरिक थिंग, बैट इज अ हिस्टोरिक थिंग, स्टम्प्स इज अ हिस्टोरिक थिंग, तो वो सब कहीं ना कहीं तो स्टोर्ड रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा। तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, है ना। वो 1983 के वर्ल्ड कप का एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है। यस, अंडरस्टूड। यहाँ पे हमारा मटेरियल सोर्सेस खत्म हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स ओरल सोर्सेस। क्या देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ओरल सोर्सेस, ठीक है। अब सोर्सेस क्या होते हैं, जैसे कि गाने होते हैं, स्टोरीज होती है ना, ये सब चीजें ओरल सोर्सेस में कंसिडर किया जाता है। अब मराठी में रहे देखेंगे तो महाराष्ट्र में पोवाडास जो बोलते हैं, पता है पोवाडास, सुना है पोवाडास? यस, तो बहुत अच्छे मतलब एक्सपर्ट्स थे लोग, शाहिर अन्नाभाऊ साठे, देन शाहिर आमिर शेख, अमर शेख, इन्होंने सब मतलब बहुत अच्छे अच्छे पवाड़ा गाए हैं। और कुछ एक पवाड़ा तुमको भी आता रहेगा, शिवाजी महाराज के ऊपर का तो पवाड़ा आता रहेगा। मोस्टली मैंने हर बैच में देखा है कि शिवाजी महाराज का एक पवाड़ा बहुत फेमस है, जो अफजल खान के किलिंग के लिए, मतलब उनको जो मारा गया था अफजल खान को, तब वो पवाड़ा डिस्क्राइब किया गया है। यस, मस्ट हैव हर्ड, बट किसी को आता है क्या वो पवाड़ा, आता है किसी को? आता है तो जरा अनम्यूट करो प्लीज, अनम्यूट करके जरा हो जाए एक पवाड़ा। कौन है, कोई है कि नहीं? कोई नहीं। अरे यार, ओके, सो आई होप यू एंजॉयड। यस, वाज अ नाइस वन। ओके, तो ऐसे भी चीज होते हैं दुनिया में, इसको भी देखना चाहिए, और ये हमारे लिए काफी मतलब इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, है ना। इट्स इंस्पायरिंग टू हियर एंड व्यू सच थिंग्स। ओके, चलेगा, नो वरीज। तो अब देखते हैं ओरल सोर्सेस। तो अब ये हमारे लिए ओरल सोर्स हुआ, माय डियर स्टूडेंट्स, हमने शिवाजी महाराज जी को अफजल खान को मारते हुए सच में देखा क्या?
नहीं देखा, बिल्कुल नहीं, हम कैसे यकीन करें? तो ये स्टोरी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है ना, ये जो पवाड़ा है, ये पवाड़ा से हमको पता चलता है कि पूरा का पूरा स्टोरी कैसे हुआ था, पूरा का पूरा इंसिडेंट इवेंट कैसे हुआ था करके। दैट्स अ वेरी गुड लाइक एग्जांपल फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि सीरियसली वाओ दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग, इस तरीके से हुआ था, चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये तो एक हुआ, ऐसे बहुत सारे हैं। ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू प्ले एवरी पवाड़ा टू यू नाउ, हर एक पवाड़ा नहीं बजा के देता हूँ, ये एक मैंने खाली बताया क्योंकि ये बहुत ही हिट और फेमस वाला एक पवाड़ा है जो लोगों को भी पसंद है, मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है। ओके चलो, तो लेट्स प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज ओरल सोर्सेस। एक मिनट, लेट मी शेयर द स्क्रीन। यस अगेन, कुछ लोगों ने वीडियोस बंद कर दिया है, गलत बात है, वीडियोस बंद नहीं करना चाहिए। ओके चलो, ओरल सोर्सेस, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, ओरल सोर्सेस। सो दीज सोर्सेस इंक्लूड फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स, प्रोवर्ब्स, बैलड्स एंड ओविस। ओविस का मतलब मराठी वर्सेस इन ओरल ट्रेडिशन। तो जो भी मन रहेगा, मन बोलते हैं ना, वर्सेस, उसको मराठी में जो बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज ओविस। एंड बैलड्स तो मैंने तुमको बताया, पोएम्स को बैलड्स बोलते हैं, प्रोवर्ब्स कहावत होता है, फोक सॉन्ग्स एंड फोक टेल्स। फोक का मतलब होता है ट्रेडिशनल, फोक का मतलब क्या होता है, ट्रेडिशनल। Activities were inspired by the povadas of Lok Shair Annabhau Sathe and Shahir Amar Sheth during the Sayukt Maharashtra movement. तो महाराष्ट्र जो था ना, पहले scattered था थोड़ा, मतलब महाराष्ट्र तो पहले बना ही नहीं था, तो मराठा एम्पायर जो था that was totally scattered. With the efforts of some of the great leaders and because of the efforts of these Lok Shair Annabhau Sathe and Amar Sheth, संयुक्त महाराष्ट्र मतलब यूनाइटेड महाराष्ट्र का फॉर्मेशन हुआ। संयुक्त मतलब समझते हैं ना, टू कम टुगेदर, टू गेट यूनाइटेड, यूनाइटेड महाराष्ट्र का फॉर्मेशन हुआ था। और उस टाइम पे इन लोगों का रोल बहुत क्रूशियल था, किन लोगों का, शाहिर अमर शेख एंड अन्नाभाऊ साठे। ओके सो लेट्स मूव फर्दर, ट्राई दिस, वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी एक्टिविटी, एक्टिविटी करने का जरूरत नहीं है। तो विल मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स द नेक्स्ट सोर्स, दैट इज द ऑडियो विजुअल सोर्स। तो अभी हमने जो देखा, कैन बी कंसिडर दिस हैज टू बी ऑडियो विजुअल? नो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज नॉट एन ऑडियो विजुअल सोर्स, इट्स अ व्हाट वी कैन से, इट्स एनिमेटेड और इट्स रिक्रिएटेड। ओके, ये एक्चुअल थोड़ी ना, ये रियल थोड़ी ना है, ये रियल था क्या? नहीं, ये बिल्कुल भी रियल नहीं था, ये सिर्फ रिक्रिएटेड है। लेकिन वर्ल्ड वॉर वन के इमेजेस है, वर्ल्ड वॉर वन के वीडियोज है, तो उसको मैं बोल सकता हूं एज अ ऑडियो विजुअल सोर्स, यस और नो? यस, एग्री? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो टेलीविजन, फिल्म्स, इंटरनेट आर कॉल्ड एज ऑडियो विजुअल मीडिया। क्या क्या होता है? टेलीविजन होता है, फिल्म्स होता है, इंटरनेट होता है, ये सबको ऑडियो विजुअल मीडिया बोलते हैं, है ना? अब मैं अगर तुमको बोलूं कि सबसे पहला मूवी जो बना था इंडिया में, पता है सबको कौन सा मूवी था? नहीं पता, राजा हरिश्चंद्र, माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, राजा हरिश्चंद्र, ये सबसे पहला मूवी बना था इंडिया में। अब तुम बोलोगे सर हम कैसे यकीन करें, है कि नहीं? यस, तो इट इज देयर ऑन द इंटरनेट, माय डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेट पे है वो, हम देख सकते हैं वो चीज को, व्यू कर सकते हैं। यस, ओके, तो सर्च कर लेना राजा हरिश्चंद्र, यू कैन सी। तो मैं अगर वो मूवी दिखाऊं तुमको, तो यस इट इज लाइक सोर्स फॉर मी ना, मैंने तुमको बताया कि देखो ये सोर्स है करके, बराबर? तो तुम यकीन करोगे कि नहीं करोगे? मतलब मैं कोई भी चीज बोलूंगा तो तुमको प्रूफ दूंगा, तुम यकीन करोगे, प्रूफ नहीं दूंगा तो तुम बोलोगे नहीं सर हम यकीन नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, मेनी डोमेस्टिक एंड फॉरेन टेलीविजन चैनल्स ऑल्सो कम अंडर दिस हेड, एग्जाम्पल हिस्ट्री चैनल, डिस्कवरी चैनल एक्सेट्रा। तो ये सब चैनल्स में भी तुम देखते हो बहुत सारे पास्ट के वीडियोज, इमेजेस, ऑडियोज को दिखाया जाता है ताकि लोगों को पता चले कि पास्ट में कैसे चीजें होती थी, चलती थी। यस, एंड ऑल दोस थिंग्स कैन बी कंसीडर्ड एज अ सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। यस, तो चलो, हमने अभी
ओरल सोर्स भी क्या कर लिया, ऑडियो विजुअल सोर्स भी कर लिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं एक और टॉपिक पे जो कि सोर्स ऑफ हिस्ट्री से नहीं है लेकिन कैसा है ना उससे रिलेटेड वाला चीज है। FTII क्या है? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो मान के चलो यहाँ पे बैठे तुम लोगों में से किसी को टेलीविजन में करियर करना है, किसी को सीरियल में एक्टिंग करना है, किसी को मूवी में एक्टिंग करना है, किसी को गाना गाना है, तो दिस इज द प्लेटफॉर्म माय डियर स्टूडेंट्स। ये तुम्हारे लिए वो इंस्टीट्यूशन है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII। जैसे तुमको अगर 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ना है तो तुमने कोई ना कोई स्कूल में एडमिशन लिया, लिया कि नहीं लिया। अभी तुमको आगे पढ़ना है तो तुम कोई कॉलेज में एडमिशन लोगे, लोगे कि नहीं लोगे। उसी प्रकार से अगर तुमको टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में कुछ करना है तो तुमको यहाँ पे जाकर पढ़ाई करना है, FTII, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अंडरस्टूड, समझे? ठीक, चलो जान के लेते हैं उसके बारे में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एट पुणे 1960 विद द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक एजुकेशन। An institute called Indian News Review has produced various news reels on important events in politics, social issues, art, sports and culture. So, Indian News Review, my dear students, ये एक मतलब एक प्रोग्राम बोल सकते हैं, एक इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं, जिन्होंने क्या किया, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स को कवर किया। मतलब कवरेज देना मतलब समझाना, एक इंटरव्यू लेना या उसके बारे में आर्टिकल बनाना, तो दैट इज कॉल्ड एज कवर। ओके, वैसे उन्होंने बहुत सारे न्यूज रील्स बनाए, कौन से इवेंट्स पे बनाए, पॉलिटिकल इवेंट्स पे बनाए, सोशल इवेंट्स पे बनाए, आर्ट्स पे बनाया, स्पोर्ट्स पे बनाया एंड कल्चरल इवेंट्स। कल्चरल इवेंट्स मतलब क्या माय डियर स्टूडेंट्स, अभी जैसे कि कहीं पे कोई जत्रा हो गया, कहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट कोई फेस्टिवल हो गया, अभी नवरात्रि, तो ये हमारा कल्चर है ना माय डियर स्टूडेंट्स, दिवाली कल्चर है ना, तो ऐसे कल्चरल इवेंट्स को भी कवर करते हैं। दिस डिपार्टमेंट हैज ऑल्सो प्रोड्यूस वेरियस डॉक्यूमेंट्रीज ऑन प्रोमिनेंट सोशल लीडर्स, on people who have made major contributions for the country and about important locations in India. So prominent matlab kya my dear students, prominent matlab hota hai important. Prominent means important. Okay, so prominent, important, important social leaders ke upar bhi unhone documentary agar banaya. Documentary matlab kya ki होता है कुछ लगभग पिक्चर के जैसे, लेकिन रियल होता है, जो असली में जो लोग होते हैं उनके पास जाके उनके बारे में पूछताछ किया जाता है, उनका इन्फॉर्मेशन वगैरह लिया जाता है, इट इज एवरीथिंग रियल, उसमें एनिमेटेड वगैरह चीजों को यूज किया जाता नहीं है। ओके, तो डॉक्यूमेंट्री जब भी देखते हैं तो वो रियल फैक्ट्स पे होता है। दीज न्यूज रील्स रिलीजेस एंड डॉक्यूमेंट्रीज आर यूजफुल फॉर स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब माय डियर स्टूडेंट्स तुम बोलोगे सर मैंने MS धोनी पिक्चर देखा, क्या वो डॉक्यूमेंट्री है? नहीं, दैट्स अ मूवी, एंड मूवी में तुमको सब मिर्च मसाला मिलेगा, है ना। MS धोनी में रियल में थोड़ी ना गाना गा के अपनी वाइफ को इम्प्रेस किया था या डांस किया था, तुम मूवी में देख सकते हो कि कितने सारे गाने हैं, है ना, तो रियल में ऐसा थोड़ी ना होता है। उसी प्रकार से जो भी रियल लाइफ स्टोरी बेस्ड होता है, लेकिन अगर वो मूवी है तो इट विल हैव सम मसाला इन इट, इट विल नॉट बी रियल। ओके, और इसको क्यों मसाला ऐड करते हैं, ताकि हमको अच्छा लगे, वी शुड गेट एंटरटेन फ्रॉम दैट, इसीलिए। लेकिन डॉक्यूमेंट्री ऐसा नहीं होता, डॉक्यूमेंट्री रियल होता है, तुमको उसमें कोई इंटरेस्टिंग गाना नहीं मिलेगा। ओके, यस, उसमें तुमको कोई ऐसा मतलब एक बोलते हैं ना कि एक थ्रिलर मोमेंट, ऐसा सब कुछ नहीं मिलेगा। ओके, इट विल बी फैक्ट, जो सच है वो होगा। ओके, ये है FTII का लोगो, ठीक है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का लोगो। चलो यहाँ तक जरा देख के लो, देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। हमने दो तीन टॉपिक्स कवर कर लिया, म्यूजियम्स कवर किया, ओरल सोर्सेस किया, ऑडियो विजुअल सोर्सेस किया, FTII भी कर लिया। अब तुम्हारी बात बारी है कि कुछ भी डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क। There is a doubt, sir, what is domestic news channels and international news channels? Okay, so my dear students, जैसे दूरदर्शन वगैरह हो गया, DD मेट्रो हो गया, ये सब हमारे डोमेस्टिक चैनल है, मतलब हमारे कंट्री का है, ठीक है। और MTV तुमने सुना रहेगा, MTV सुना है? नहीं सुना, ठीक है। ESPN सुना है?
ESPN नहीं सुना है। अच्छा हिस्ट्री चैनल डिस्कवरी चैनल ये तो सुना है, तो ये हमारे कंट्री का नहीं है, ये फॉरेन कंट्री का है। ओके यूएस के चैनल से जो हमारे यहाँ पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है, मतलब चैनल वहाँ का है लेकिन हमारे को व्यू करने को मिलता है, तो तुम वो देख भी सकते हो, उसमें मोस्टली सब वहाँ के ही लोगों का प्रोग्राम्स वगैरह होता है ना। लेकिन अभी कैसा हो गया ना, हिस्ट्री चैनल डिस्कवरी चैनल ने ऑब्जर्व किया कि इंडिया जैसा इतना ह्यूज पॉपुलेशन वाला कंट्री डिस्कवरी और हिस्ट्री चैनल को बहुत ज़्यादा वेटेज देता है, मतलब बहुत व्यू करते हैं हम लोग, मोस्ट ऑफ देम हिस्ट्री चैनल और डिस्कवरी चैनल जानते हैं और देखते भी हैं, तो वो लोग हमारे यहाँ के प्रोग्राम्स को अभी कवर करते हैं, मतलब अपने यहाँ के वाइल्ड लाइफ को कवर करते हैं, अपने यहाँ के फॉरेस्ट को कवर करते हैं, अपने यहाँ के हिस्टोरिकल विजिट्स या हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो होते हैं उसको वो लोग कवर करते हैं। ओके लेकिन है वो फॉरेन चैनल, इसीलिए उसको फॉरेन टेलीविजन चैनल बोला जाता है। आई होप द डाउट इज क्लियर। यस So moving to the ending part, लेकिन बहुत ही interesting है, तो stay tuned my dear students, साथ में बने रहो, देखते हैं। Till now we have seen some important sources of writing history of modern India. Yes or no my dear students, अभी तक हमने जो देखा वो कुछ modern time के थे, है ना? The times in the 21st century are changing so rapidly that even these sources will prove to be inadequate. अभी देखते हैं तो 21वीं शताब्दी में बहुत जल्दी जल्दी चीजें परिवर्तन हो रहे हैं, there is lot of changes and these sources cannot be taken as will, it will can be taken but it will be inadequate. Inadequate का मतलब होता है insufficient. Inadequate, insufficient. However, just a moment. However, new sources are coming forward. For example, during the transformation from landline phone to cell phones, a gadget called pager came up for the contacting people. My dear students, तुमने pager तो कभी देखा नहीं रहेगा, है ना? ठीक है, मैं थोड़ी देर में उसका image तुमको दिखाता हूँ। एक छोटा सा rectangle device था और and it was been used for sending and receiving messages. Okay, सिर्फ messages भेज सकते थे, receive कर सकते, और कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे टेलीफोन से सेल फोन के towards generation बढ़ते गया और discovery होते गया, pager खत्म हो गया, but it died out as quickly as it had come up. Pager जल्दी से खत्म हो गया, मेरे ख्याल से उसका पीरियड मेरे ख्याल से हार्डली वन एंड हाफ ईयर्स रहा रहेगा, क्योंकि इमिडिएटली पीपल गॉट अ सब्स्टिट्यूट दैट इज मोबाइल फोन्स। ओके जो पहले मोबाइल फोन आता था एकदम बड़ा ऐसा कंपास बॉक्स के जैसा होता था, लोग ऐसे बड़ा सा फोन रख के घूमते थे और उसमें एंटीना भी होता था, एंटीना के जैसे सिग्नल पकड़ता था, सो दैट वॉज द ट्रेडिशनल फोन। लेकिन जैसे जैसे और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होते गया, ये जो टेलीफोन्स थे सेलफोन्स में कन्वर्ट हो गए और सेलफोन से वो स्मार्टफोन्स में कन्वर्ट हो गए, बराबर है कि नहीं? टुडे व्हाट वी आर यूजिंग इज स्मार्टफोन, व्हाई वी कॉल इट हैज टू बी स्मार्टफोन एंड नॉट अ सेलफोन, तो स्मार्टफोन इसलिए क्योंकि वो इतना स्मार्ट हो गया कि उसमें सब कुछ है। पहले माय डियर स्टूडेंट्स फोन वर बीन यूज ओनली फॉर कॉलिंग एंड मैसेजिंग, फिर लोगों ने सोचा कि व्हाई कांट बी यूज लाइक उसमें सॉन्ग्स होंगे तो कितने अच्छे होंगे, तो वो फीचर भी ऐड हो गया। फिर लोगों ने सोचा रेडियो होगा तो कितना अच्छा होगा, तो वो फीचर भी ऐड हो गया। फिर लोगों ने सोचा कि गेम्स होगा तो कितना अच्छा होगा, तो गेम्स भी ऐड हो गए। तो ऐसे धीरे धीरे लोगों का जो सोच था रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से ऐड ऑन होते गए और सब कुछ ही आजकल देख सकते हैं हम लोग मोबाइल में है। इज देयर एनीथिंग व्हिच हैज बीन मिस्ड आउट फ्रॉम द मोबाइल एंड नाउ वी आर सो एडिक्टिव एंड हैबिचुअल टू मोबाइल, यू कैन सी दैट थिंग, आई डिड नॉट नीड टू एक्सप्लेन मच अबाउट दैट। अभी तो तुम्हारा अगर पर्सनलाइज मोबाइल है तो फिर तो कल्याणी हो गया समझो, तुम तो मोबाइल को छोड़ते ही नहीं रहोगे, है ना? वेरी बैड,
इट शुड नॉट बी लाइक दैट. ऐसा नहीं होना चाहिए. मोबाइल जितना जरूरत है उतना ही रखो, बाकी टाइम पे उसको दूर ही रहो. इट्स अ वेरी बैड एडिक्शन. बराबर ना? उसका ख्याल रखो. ठीक है, चलो. द ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट इज यूज फॉर स्टडिंग हिस्ट्री, बट द ट्रूथ एंड द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी वेरीफाइड. अब हम लोग देखो, व्हाट्सएप पे कुछ भी मैसेज आते हैं तो हम लोग यकीन मान लेते हैं. पांच सर वाला सांप, हम मान लेते कि हाँ सच्ची में पांच सर वाला सांप है. कहाँ है भाई वो? एनिमेटेड है, वो एडिटेड है. तो जो नॉर्मली ऐसे कुछ भी मैसेजेस आते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस, तो उसको भी हम लोग सही मान लेते. तो ये सब गलत है ना. सोशल मीडिया है लेकिन उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए. और हमको फैक्ट्स को क्या करना चाहिए? क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए. हर इंफॉर्मेशन का वेरिफिकेशन होना चाहिए, मतलब चेक करना चाहिए कि वो सही है या नहीं. Okay, coming to the concluding part, my dear students, now it has become comparatively easy to study history with all these sources. ये सभी sources के साथ we can study history very easily. क्योंकि कहीं पे भी कोई doubt आता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? Cross check कर सकते हैं. We have the sources. As these sources are from the contemporary period. Contemporary मतलब contemporary, we can say modern, okay? Contemporary, modern. It's like combine actually, okay? Combine ही होता है, old and new, contemporary. They are easily available. Since a subject like history touches all the aspects of our lives, efforts for preservation of such sources are made at all levels. We should also contribute to this effort. तो data को preserve करना जरूरी है कि नहीं है? Information को store करना, हमारे इतिहास के आर्टिफैक्ट्स को स्टोर करना, इस सब चीजों को प्रिजर्व करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, चलो क्विकली गो थ्रू एंड देन वी कैन प्रोसीड. एक बार देख लो. Okay, done, students. Okay, so here we come to the end of the chapter. Okay, yes, I'll surely clarify your doubts and all. Aspects. Okay, aspects means anything related to that. Okay, aspects related. Yes, you can ask me any more doubts if it is there. और भी कुछ है तो पूछ सकते हो. और वर्ड्स तो खास करके पूछना चाहिए. कुछ स्पेलिंग वगैरह रहता है तो उसका मीनिंग पूछना चाहिए. यस, गो अहेड माय डियर स्टूडेंट्स. चलो तो क्विकली एक बार ऐसे रिवाइज कर लेते कि हमने इस चैप्टर से क्या पढ़ा. करके हमने देखा कि हम पढ़ रहे हैं अबाउट द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. इतिहास को ऐसे ही हम लोग ब्लाइंडली आंख बंद करके एक्सेप्ट नहीं कर सकते. उसके लिए हमको प्रूफ चाहिए. एंड दोस प्रूफ्स वी कंसीडर्ड द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. ओके, सो कितने सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री है? अलग अलग सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री है. ओरल सोर्सेस है, रिटन सोर्सेस है, मटेरियल सोर्सेस है, ऑडियो विजुअल सोर्सेस है. करेक्ट, और इन सभी सोर्सेस को हमने गो थ्रू किया. बराबर, what you will do ki ye chapter ko ek bar acche se read karo. If you are having textbook with you, proper textbook, to usme se karo. Those who are not having the textbook, they can just see the pdf mein se kar sakte ho. theek hai, aur hard words, my dear students, is lesson ke tumko 25 hard words 5 times likhne hai. theek hai,
25 hard words 5 times. So kindly note down the homework. Okay. Or record cheese. Okay, I'll just wind up the recording over here.